नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा हमने एक्सरसाइज 6.1 पूरी कर ली है। अब अपना अगला है विविध प्रश्नमाला, आपकी प्रश्नावली 6 की विविध प्रश्नमाला। और आपको 6.1 में कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। अब देखिए अपनी विविध प्रश्नमाला है और विविध प्रश्नमाला में आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव टाइप है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी, और आपको बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। अब देखो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, आपका पहला क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है और आपका ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन आपका क्या है, अनंत है। बताना है भाई ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कोई एक बताना है। सीधी सी बात है बेटा कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री, आप मुझे बताएं कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो टेन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसकी भी तो स्क्वायर हो जाएगी ना, √3 की स्क्वायर होगी, तो यहाँ कितना आ गया भाई 3। तो आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन दिया गया है ए, ए ऑप्शन रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। इसी प्रकार आपके 5 क्वेश्चन है, तो बेटा आप 1 से लेकर 5 तक खुद कीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए। अभी आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 6 कि सिद्ध कीजिए कोस 60 डिग्री बराबर, कोस 60 डिग्री बराबर आपको दिया गया है 2 cos² 30 डिग्री, 2 cos² 30 डिग्री माइनस का एक। आपको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए बेटा मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ LHS, आपका क्या है cos 60 डिग्री। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 30 का होता है, कोस 60 डिग्री का मान क्या हो गया 1/2। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 1/2 और राइट हैंड साइड आपको क्या दिया गया है RHS दिया गया है 2 cos² 30 डिग्री माइनस का एक। अब देखिए 2 cos² 30 डिग्री, अब देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसकी क्या है भाई स्केयर और माइनस का क्या है एक। मैंने यहाँ कोस 30 डिग्री की जगह इनका मान रख लिया और स्केयर है तो स्केयर रख लिया। अब आप देखिएगा 2 √3 की स्केयर क्या होता है 3 और 2 × 4 और माइनस का कितना हो गया 1। अब देखिए बेटा 2 × 2 = 4 तो आपका यहाँ बच गया 3/2 माइनस का 1, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ क्या। आगे देखिए इसका लघुत्तम आ गया 2, LCM 2 आ गया, 2 × 2 1 को 3 से गुणा किया कितना आया 3, साइन बीच में किसका है माइनस का, 1 × 2 = 2, 2 × 2 और बेटा 3 में से 2 गया कितना बच गया 1। मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए 1 से लेकर 5 तक तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन बताना है ए बी सी डी, आप मान रखिएगा उनमें से एक ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, आपको प्रूव करना है कि कोस 60 डिग्री बराबर 2 cos² 30 डिग्री माइनस का 1 है। बेटा सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोस 60 डिग्री, जो कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और राइट हैंड साइड है आपका 2 cos² 30 डिग्री माइनस का 1। अब आप जानते हो बेटा कि कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ कोस 30 की जगह मैंने इनका मान रखा और इसकी स्केयर कर दी। अब देखिए √3 की स्केयर 3 होती है, 2 × 4, 2 × 2 = 2, 2 × 4 तो आपका आ गया 3/2 माइनस का 1, 1 को मैं 1/1 लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका LCM 2 आ गया, तो यहाँ 3 - 2 अर्थात 1/2
दो, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। शायद तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी बेटा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा करवा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम इसी के जैसा ही है, 8 भी एक जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका 10वां प्रश्न, देखिए मैं जो ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ एक जैसे ही है सारे, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। आपका 10वां प्रश्न है 4 tan 30 degree, 4 into tan 30 degree इंटू में साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 60 डिग्री और इंटू में आगे दिया गया है साइन 90 डिग्री बराबर आपको प्रूव करना है अंडर रूट दो। देखिए बेटा आपको प्रश्न दिया गया है दसवां कि 4 tan 30 degree इंटू में साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 90 डिग्री बराबर क्या है, अंडर रूट दो, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ है 4 tan 30 degree इंटू में साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 90 डिग्री ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये किसके इक्वल प्रूव करना है, अंडर रूट दो के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ मैं इन सब का मान रखता हूँ, 4 into tan 30 degree का मान होता है 1/√3 इंटू में साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू में साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इंटू में साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ मैंने इन सब का मान रखा जो कि आपका 4 into tan 30 degree का मान कितना होता है 1/√3, साइन 45 का मान आपका 1/√2, साइन 60 का मान आपका √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब बेटा देखिएगा यहाँ देखिए कि √3 से √3 क्या हो गया कैंसल, अब यहाँ देखिए 2 × 2 कितना होता है 4, तो बेटा यहाँ आपका बच गया 2/√2। अच्छा मुझे ये बताएं 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 × √2 और बटे में कितना है भाई √2। अब बेटा √2 क्या हो गया कैंसल और आपका कितना बच गया √2, यही आपका क्या है आंसर। और बोलिएगा राइट हैंड साइड भी √2 है, मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 4 tan 30 degree इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री बराबर प्रूव करना है √2। तो सबसे पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है 4 tan 30 degree इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आपस में क्या हो रहे हैं अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ 4 into tan 30 degree की वैल्यू होती है 1/√3, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की होती है 1। अब बेटा आप देखिएगा यहाँ √3 से √3 क्या हो गया कैंसल और यहाँ 2 × 2 कितना हो गया 4, तो ऊपर क्या बच गया 2 और बटे में क्या बच गया √2। अब आप जानते हो कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √2 और बटे में क्या है √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया √2। ये था आपका प्रश्न नंबर 10। अब 11वां प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न है आपका sin² 60 डिग्री इंटू cot² 60 डिग्री का मान बताइए, sin² 60 डिग्री इंटू cot² 60 डिग्री का मान बताइएगा। बिल्कुल आसान है भाई, sin 60 की वैल्यू रखो cot 60 की वैल्यू रखो। अब देखिएगा बेटा कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2
और यहाँ स्केयर है तो इसकी भी क्या होगी, स्केयर गुणा कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से देखिएगा, कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 किसके इक्वल होता है, टेन 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसका कितना आ गया 1/√3, और इसकी क्या है भाई, स्केयर, रूट थ्री की स्केयर कितनी होती है 3, और दो की स्केयर कितनी होगी भाई 4, इंटू में एक की स्केयर कितनी है भाई 1, रूट थ्री की स्केयर कितनी है अभी 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका उत्तर आ गया 1/4। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न था भाई कि आपको इनका मान ही बताना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या है 12। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि 4 कोस क्यूब 30 डिग्री, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री, 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सेम एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका भी क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इनकी वैल्यू रखेंगे, 4 इंटू बेटा कोस 30 का मान कितना होता है, जो कि साइन 60 का मान होता है, तो कोस 30 का मान कितना हो गया √3/2, और इसकी पावर कितनी है भाई 3, माइनस का 3 इंटू कोस 30 डिग्री। अब यहाँ भी आपका कितना है कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। शायद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ 4 इंटू √3 की पावर कितनी है, 3 है, √3 की पावर 3 का मतलब √3 कितनी बार है, 3 बार। अब बेटा देखो √3 को √3 से गुणा किया, आपका कितना आ गया 3, क्योंकि रूट को रूट से गुणा करेंगे, रूट के अंदर एक ही संख्या है तो रूट क्या होगी कैंसल, और उसके बाद इससे किया तो आपका कितना आ गया 3√3। तो बेटा यहाँ आ गया 3√3/2, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और माइनस का 3√3 और बटे में कितना है 2। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिएगा 4 × 4, 4 × 8, तो यहाँ आपका आ गया 3√3/2, साइन बीच में माइनस का है, और यहाँ भी कितना है 3√3/2। देखिए दोनों 3√3/2, साइन बीच में है 3√3/2, आपका आंसर कितना आ गया 0। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि आपको इसकी वैल्यू रखनी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, रूट तीन की क्यूब का मतलब ये होता है बेटा, रूट तीन कितनी बार है 3 बार, क्योंकि यहाँ √3 को √3 से गुणा किया तो रूट तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3, और 3 को फिर किससे गुणा किया √3 से। ये भी आसान प्रश्न था भाई, आपका 11वां और 12वां प्रश्न एक जैसा है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर है 13। यदि कोण थीटा बराबर, 13वां प्रश्न देखिए, यदि कोण थीटा बराबर 1/√3 है, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 है तो सिद्ध करना है, तो आपको प्रूव करना है कि 1 − cos²θ / 2 − sin²θ बराबर आपका दिया गया है 3/5। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये वाला क्वेश्चन अच्छा भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऐसा एक एग्जांपल है, इसके बाद हम वो एग्जांपल करेंगे। देखिए कोण थीटा बराबर है 1/√3, और आपको ये प्रूव करना है कि जो 1 − cos²θ और 2 − sin²θ बराबर है 3/5 के, ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो देखिएगा कि कोट थीटा बराबर आपको 1/√3 दिया गया है। अब देखिए कोट में 1/√3 किसका मान होता है, कोट में 1/√3 किसका मान होता है,
तो किसका होता है अभी कोट 60 डिग्री का मान, क्योंकि कोट 60 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर। तो यहाँ कोट थीटा बराबर आपको 1/√3 दिया गया है ना, तो कोट थीटा बराबर यहाँ क्या लिखा मैंने, कोट 60 डिग्री। अब बेटा देखिएगा, कोट से कोट क्या हो गया, कैंसल, मीन थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। इससे हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो इसमें मैं रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपका है 1 cos² θ बटे में 2 sin² θ। अब यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ, अब मुझे बताएं लेफ्ट थीटा की जगह कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री। तो यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ 1 cos² θ की जगह क्या रख दिया, 60 डिग्री, और 2 sin² 60 डिग्री। मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आपका क्या दिया गया है, जहाँ भी थीटा है वहाँ मैंने क्या रख दिया, 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, अब देखिएगा 1 cos 60 डिग्री का मान किसका होता है, जो साइन 30 का होता है, कितना होता है भाई, 1/2, और इसका क्या हो गया, स्केयर। कोस 60 का मान आपका 1/2, और इसकी क्या होगी, स्केयर, बटे में 2 sin² 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और बेटा इसकी भी क्या है, स्केयर है। अब इनको हल करता हूँ मैं, 1 - 1/2 कितना हो गया, 4, और 2 - √3 का स्केयर कितना है, 3/2 कितना है, 4। 1/1 लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है, 4, 1 को 4 से भाग दिया, 4, 4 = 4, साइन बीच में किसका है, माइनस का, 4 को 4 से भाग दिया, कितना आ गया, 1, 1 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया, 1, बटे में यहाँ भी एलसीएम कितना है आपका, 4। इसके बाद आप देखिएगा कि 1 को 4 से भाग दिया, 4, 4 × 2 कितना आ गया, 8, साइन है माइनस का, 4 को 4 से भाग दिया, तो कितना आ गया, 1, और 1 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 3। शायद तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, 4 में से 1 गया बेटा, कितना बच गया, 3, और बटे में कितना है, 4, और इसके बटे में 8 में से 3 गया, कितना है भाई, 5/4। तो बेटा आप देखिएगा 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो 3/3 कितना आ गया, 5। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब यहाँ देखिएगा बेटा, कोट थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है ना, तो 1/√3 की जगह मैं कोट 60 डिग्री रख लिया, कोट 60 डिग्री, कोट से कोट क्या हो गया, कैंसल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। जहाँ भी थीटा है वहाँ क्या रख दिया, 60 डिग्री। अब यहाँ 60 डिग्री रखा, तो इनकी वैल्यू पुट की, उसके बाद इनका एलसीएम लिया और हल कर लिया, आपका आंसर कितना आ गया, 3/5। देखिएगा ऐसा एक एग्जांपल दिया गया है, वो एग्जांपल आपको अभी मैं करवाता हूँ। आपका एग्जांपल है जो कि एग्जांपल नंबर 7 है, पेज नंबर 103 पे देखिए। यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, एग्जांपल नंबर 7 है आपका। यदि साइन ए प्लस बी बराबर आपको दिया गया है 1, और दूसरा कोस ए माइनस बी बराबर आपको दिया गया है √3/2, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको मान निकालना है ए और बी का। आपको क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 7 है जो कि पेज नंबर 103 पे है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा ही है जैसे कि हमने कोट थीटा बराबर 1/√3 है ना, तो 1/√3 की जगह कोस 60 डिग्री रखा ना, उसी प्रकार देखिए आपको क्या दिया गया है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, और कोस ए माइनस बी बराबर कितना है, √3/2। तो बेटा यहाँ साइन ए प्लस बी बराबर 1 की जगह है, आप बताएं साइन में 1 मान किसका होता है, साइन 90 डिग्री का।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन में एक मान किसका होता है, साइन 90 डिग्री का। बेटा साइन से साइन क्या हो गया, कैंसल। तो आपका a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और ये वाली समीकरण क्या बन गई आपकी, एक। उसके बाद दूसरा देखिए, कॉस a माइनस बी बराबर, कॉस में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसल। तो आपका a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा, हमने क्या किया है कि साइन ए प्लस बी बराबर एक दिया गया है, तो साइन में एक मान 90 डिग्री का होता है, तो एक की जगह मैंने क्या रखा, साइन 90 डिग्री। और कोस में रूट 3/2 किसका मान होता है, कोस 30 डिग्री। तो मैंने समीकरण एक व समीकरण दो प्राप्त की। अब देखिएगा, समीकरण एक में से दो घटाने पर, एक में से दो घटाएंगे तो देखो, एक समीकरण एक क्या थी, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और यहाँ क्या है, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब बेटा इसमें से घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, a से a क्या हो गया, कैंसल। b b प्लस का कितना b भाई, 2b, बराबर में कितना आ गया, 60 डिग्री। और b इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। 60/2 कितना हो गया भाई, 30 डिग्री। तो b की वैल्यू मैं समीकरण एक में रखूं भाई, तो आपका a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और b की वैल्यू कितनी है, 30। b का मान समीकरण एक में रखने पर a प्लस 30 डिग्री बराबर आपका है 90 डिग्री। तो a बराबर आपका आ गया 90 माइनस 30 डिग्री, ए का मान आपका आ गया 60 डिग्री। शायद तक समझ में आ गया होगा, हमने इन दोनों की वैल्यू रख के, जहाँ की ए किसकी, अभी साइन 90 की रूट 3/2 कोस में कोस 30 की, तो साइन से साइन कैंसिल किया, कोस से कोस कैंसिल किया, समीकरण एक व दो प्राप्त हुई। अब समीकरण एक में से दो मैंने क्या कर दिया, अभी माइनस कर दिया, तो ये आपस में कट गया, b और b कितना हो गया, 2b बराबर कितना है, 60 डिग्री। फिर उसके बाद b की वैल्यू निकाली कितनी आ गई, 30 डिग्री। और फिर b का मान है वो समीकरण में एक में रखो चाहे दो में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने समीकरण एक में रखा तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 60 डिग्री। शायद तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिएगा, आपका जो प्रश्न संख्या है 14वां प्रश्न आपका ये है, आसान से प्रश्न है। अभी अगर आपने 6.1 की मेरी पिछली वीडियो अच्छे से देखी है तो ये इजी से प्रश्न है। 14वां प्रश्न है कि आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 × 10²30° प्लस में कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 × sin² 45° प्लस cos² 30° बराबर प्रूव करना है 0 के। आपको प्रूव करना है कि 3 × tan²30° प्लस cot²30° माइनस 8 × sin² 45° प्लस cos²30° बराबर क्या है, 0 है। आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, और आपका लेफ्ट हैंड साइड है 3 × tan²30° प्लस cot²30° माइनस 8 × sin² 45° प्लस cos²30° ये है आपका।
और किसके इक्वल करना है प्रूफ, जीरो के। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखिए बेटा मैं इनकी वैल्यू रखता हूँ, तीन इंटू, अब यहाँ ये वाला ब्रैकेट रखता हूँ मैं बड़ा, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, एक बटे अंडर रूट तीन, एक बटे में अंडर रूट तीन, और इसकी क्या है स्केयर। प्लस में कोट 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट तीन, और इसकी भी क्या है स्केयर। मैंने मान रखा इनका। अब देखिए माइनस का 8 इंटू साइन 45 का मान होता है एक बटे अंडर रूट दो, तो इसकी भी क्या है स्केयर। प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साइन 45 का तो एक बटा अंडर रूट दो होता है, और कोस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट तीन बटे में दो की स्केयर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने मान रखा टेन 30 का मान रखा एक बटे अंडर रूट तीन की स्केयर, कोट 30 का मान होता है अंडर रूट तीन की स्केयर, साइन 45 का एक बटा अंडर रूट दो, और कोस 30 का मान होता है अंडर रूट तीन बटा में दो। अब इनको मैं हल करता हूँ, तीन इंटू एक की स्केयर एक होता है, रूट तीन की स्केयर तीन होता है, प्लस रूट तीन की स्केयर कितना है तीन, तो तीन को मैंने क्या लिखा तीन बटा एक। साइन माइनस का 8 इंटू एक का स्केयर एक हो गया, रूट दो का स्केयर दो हो गया, प्लस में रूट तीन का स्केयर तीन हो गया, बटे में दो दूनी कितना आ गया चार। शायद तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए तीन इंटू इनका एलसीएम कितना आ गया तीन, तीन एकम तीन, एक को एक से गुणा किया एक, एक ती है तीन, तीन को तीन से गुणा किया नौ, नौ आ गया। माइनस 8 इंटू चार आ गया, दो दूनी चार, दो एकम दो, अब चार को चार से भाग दिया, चार को चार से भाग दिया एक, एक को तीन से गुणा किया तीन। अब बेटा देखिएगा तीन इंटू नौ और एक कितना होता है 10 बटे में तीन, ये इसको हल किया तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, माइनस 8 इंटू तीन और दो कितना हो गया पाँच, तीन और दो पाँच, पाँच बटे में कितना है चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ। तो बेटा आपका यहाँ आ गया, यही लिख देता हूँ मैं, तीन से फिर तीन कैंसिल हो गया, एक आ गया, एक को दस से गुणा किया दस आ गया, माइनस पाँच दूनी कितना हो गया दस, तो 10 में से 10 गया कितना बच गया जीरो, और यही आपकी क्या है भाई राइट हैंड साइड। सही तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको दिया गया है 3 इंटू टेन स्केयर 30 डिग्री प्लस कोट स्केयर 30 डिग्री माइनस का 8 इंटू साइन स्केयर 45 डिग्री प्लस कोस स्केयर 30 डिग्री बराबर क्या प्रूव करना है जीरो के। तो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है, और यहाँ मैंने सबसे पहले तो टेन 30 की वैल्यू होती है एक बटा अंडर रूट तीन, और यहाँ स्केयर है तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया स्केयर। कोट 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट तीन, यहाँ स्केयर है तो यहाँ भी क्या कर दिया स्केयर। माइनस का 8 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है एक बटा अंडर रूट दो, और यहाँ स्केयर है तो यहाँ भी मैंने स्केयर कर दिया, साइन है बीच में प्लस का, कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट तीन बटा दो, और यहाँ भी इसकी क्या कर दी स्केयर। अब देखिए एक का स्केयर एक हो गया, रूट तीन का स्केयर तीन हो गया, प्लस में अंडर रूट तीन का स्केयर कितना होता है तीन, तीन बटे में एक, लिख सकता हूँ ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 8 इंटू एक बटा रूट दो की स्केयर कितनी होगी भाई एक बटा दो, और रूट तीन बटा दो की स्केयर होगी तीन बटा चार। अब बेटा मैंने इसका एलसीएम लिया तो आपका ये आया, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब देखिए 9 और 1 10, 10 बटे में 3, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से, 3 से 3 कैंसिल क्या बच गया 10, अब यहाँ 8, 3 और 2 5 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया कितना बच गया जीरो। शायद तक समझ में आ रहा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर है 15।